नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाल, गुड मॉर्निंग ओडिशा। मु शक्ति आउ आपनकु स्वागत करुछि आमर ए चैनल आजिरो ताजा खबर को। तो चलंतु नजर पकेबा आजिरो बछा बछा खबर उपरे। तो ता पूर्वरु जदि आपन माने आमर ए चैनल ले नुवाई वीडियो देखचोती पूर्वरु सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरास्तुवा बेल आइकन को बजे रखथांतु जातरकि प्रतिदिन खबर आपन माने सर्वप्रथमे जानि परिबे। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 रहिछि आजिरो सकाळ विद्यालय। राज्य में ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी मंगलवार अर्थात आज विद्यालय सकाल पाठ पढ़ा आरंभ हो। प्रथम द्वादश श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री सकाल विद्यालय जाइछन्ति। राज्य समस्त सरकारी एवं बेसरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय सकाल 7:30 जाए पाठ पढ़ा हेबो। तबे विद्यालय गुड़िक स्वच्छ पानी जल और अन्यान्य सुविधा इत्यादि जोगाई देवाई समस्त विद्यालय कर्तृपक्ष को कहुई पर्याप्त पानी जल ओआरएस पैकेट एवं अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने को विद्यालय कर्तृपक्ष को निर्देश दिया जाए छे। तबे अन्य पक्षे 12 तारीख रु पूर्ण उपस्थान दिवस भाव पालन करे जीवो। सेइ दिन नाम लेखैथिबा पिलामानकु फूल चंदन दे स्वागत करे जीवो। सेमानकु मागणारे पाठ्यपुस्तक बंटन करे जीवो। एही कार्यक्रम संबंधी फटोचित्र राज्य प्रकल्प निर्देशक को पठाइबाकु कुआ जाय। देखिया प्रवृत्ति खबर 12 घंटा पई सहर बंद। ओडिसा रे एही सहर 12 घंटा पई बंद रहइबो। जानतु काहे कि मयूरभंज रायरंगपुर को स्वतंत्र जिला मान्यता दे दाबी रे आज 12 घंटा बंद रखा दे जाइछे। क्रियानुष्ठान कमिटी पक्षर बेमनघाटी सब डिविजन बंद डाकरा दे जाइथवा जाना पड़ी। सकाल 6:00 रु संध्या 6:00 पर्यंत 12 घंटिया बंद पालन हेबो। तबे एही बंद डाकरा जको दुकान बाजार बंद रहिबा सहित गाड़ी चलाचल प्रभावित होउछे। रायरंगपुर म्युनिसिपालिटी सह 7 ब्लॉक रे बंद पालन होउछे। समस्त सरकारी बेसरकारी ऑफिस और गाड़ी चलाचल ठप हो जाइछे। देखिया प्रवृत्ति खबर नकली शिक्षकों रिपोर्ट दियो। राज्य में केते अछंती नकली शिक्षक, 2 दिन भीतर रिपोर्ट देवा को निर्देश। तबे राज्य में केते अछंती नकली शिक्षक, 2 दिन भीतर रिपोर्ट देवे बीओ और डीओ। केते नकली शिक्षक चिन्हट होउछंती एवं कोन कार्यानुष्ठान निया जाइछि जानिबा परे एक्शन निया जो बोली कहिछंती प्राथमिक शिक्षा विभाग निर्देशक। जाति जन्म और शिक्षागत सर्टिफिकेट जालियाती करथिबा 300 शिक्षकों को चिन्हट कर जाइछि। यार भितर समस्त विरुद्ध श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर एफआईआर होइछे। नकली शिक्षकों धरिबा को कौन उपाय अवलंबन करिवे सेने सरकार बीओ और डीओ को एसओपी जारी करिछन्ते। किछि नकली शिक्षक चाकरी बहिष्कार होइथवा बेले किछि गिरफ्तार होइछन्ते आउ किछि को विरोध रे अभियोग मिथ्या प्रमाणित हेबा परे पुणी चाकरी अवस्थापित होइछन्ते। आ देखा प्रवृत्ति खबर आईना देखाइला चाइना। मनुष्य ठारु उत्पत्ति होइछि कोरोना। कोरोना महामारी भूताणु रो उत्पत्ति नै विभिन्न चर्चा होइथवा बेले चाइनार जने वैज्ञानिक नुआ दाबी करिछन्ती। पूर्व चाइनार वुहान ल्याब रु कोरोना रो उत्पत्ति होता बेले आमेरिका समेत अन्य केतक देश कही आसुथिले। तबे एहाबे चाइना सेमानको रिपोर्ट को आईना देखाइबा आरंभ करिछे। या सहित कहुला प्राणी मनुष्य को कोरोना संक्रमित होछे। तबे चाइनार बर्तमान दाबी पूर्व रिपोर्ट को भूल बोली प्रमाणित करिपारे। बेजिंग केमिकल टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय प्रोफेसर टोंग इंगैंग कहिछंती वुहानर सी फुड बाजारु मिलिथवा कोरोना भूताणुर जेनेटिक सिक्वेन्सी कोरोना आक्रांतक सिक्वेन्सी सहित प्राय समान रहिछे। तेणु एथरु अनुमान करा जाउछि हुएत कोरोना भूताणुर उत्पत्ति मनुष्य ठारु होइथाइ पारे। एबे चाइना वैज्ञानिकक एही नुआ रिपोर्ट नै अंतर्जातीय स्तररे चर्चा आरंभ होइछे। देखा प्रवृत्ति खबर कोरोना मुकाबला पई 2 दिन मॉक ड्रिल। कोविड बेड ठारु आरंभ करी ऑक्सीजन प्रस्तुत उपरे जोर। तबे राज्य रे गत 24 घंटा रे 102 कोरोना संक्रमित चिन्हट होइछंती। संबलपुर में सर्वाधिक 32 संक्रमित बाहर बेले नवरंगपुर में 30 चिन्हट होती। नुआपड़ा और संबलपुर में 11 लेखाएं रोगी बाहरी। से कटक 8 और बरगड़ में 5 जन पॉजिटिव बाहर जमापड़े। अंपटे सोमवार ठू सारा देश में 2 दिनिया मकड्रिल आरंभ हो। कोरोना मुकाबला और परिचालना नहीं हॉस्पिटल केते प्रस्तुत अच्छा मकड्रिल करा। स्वास्थ्य विभाग एने व्यापक प्रस्तुति कर हॉस्पिटल में कोविड बेड ठू आरंभ कर ऑक्सीजन प्रस्तुति उपर जोर दिया। कोविड वार्ड दायित्व डाक्टर और नर्स केते प्रस्तुत अच्छा जांच करतीत टेस्टिंग ठारु औषध स्टॉक उपरे निरीक्षण हेबो। कोविड परिचालन और भविष्य योजना उपरे विशेष ध्यान दिया क्षेत्र प्रस्तुत हेबो। तबे देश में पुणे कोरोना संक्रमण वृद्धि पाइबार लगी दृष्टि रखी 3 राज्य सरकार कोरोना कटकणा कड़ाकड़ी करिछंती। हरियाणा सरकार सार्वजनिक स्थान में मास्क पिंधा को बाध्यतामूलक करिछंती। केरल सरकार गर्भवती महिला वयस्क व्यक्ति और रोगी को मास्क पिंधा को परामर्श देइछंती।
पुंडुचेरी सरकार सार्वजनिक स्थान में मास्क व्यवहार को बाध्यतामूलक करिछन्ते। गत 24 घंटे में देश में 6155 संक्रमित चिन्हट होती। देश में कोरोना संक्रमित संख्या 31,194 पहुंची। बढ़ुवा संक्रमण नहीं केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय चलित सप्ताह समीक्षा बैठक करते कोविड मुकाबला नहीं प्रस्तुत होगा परामर्श देते। देखा प्रवृत्ति खबर आज आरंभ है युक्त दुई खाता देखा जानतु किपर रही व्यवस्था। तेज आज उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद CHSE युक्त दुई परीक्षा खाता मूल्यायन आरंभ। प्रथम पर्याय सोमवार आरंभ हो 22 तारीख में सर। खाता मूल्यायन उभय ऑनलाइन और ऑफलाइन मूल्यायन केन्द्र व्यवस्था कर प्रथम पर्याय ऑनलाइन मूल्यायन चलित मास 21 तारीख में सरवाक बेले ऑफलाइन मूल्यायन 22 रे सरिबो। ऑफलाइन मूल्यायन 65 कॉलेज को सेंटर कर ऑनलाइन 7 कॉलेज को चयन कर बाकी समस्त कंप्यूटर सेंटर को चयन कर सूचना अनुजाई प्रथम पर्याय मूल्यायन में कला विभाग 17, विज्ञान विभाग 8 और वाणिज्य विभाग 14 विषय में मूल्यायन कर द्वितीय पर्याय ऑनलाइन मूल्यायन 27 तारीख आरंभ हो मे 7 तारीख पर्यंत चलो। ऑफलाइन 23 अप्रैल आरंभ हो मे 4 रे शेष होब। यही समय कला समेत धंदामूलक शिक्षार मूल्यायन कर द्वितीय पर्याय कला विभाग मूल्यायन समय 27 विषय विज्ञान 24 और वाणिज्य 8 विषय मूल्यायन हो तबे धंदामूलक शिक्षार समस्त 8 विषय मूल्यायन कर समस्त खाता देखा मे 7 तारीख सुधा शेष करने को लक्ष्य रखाई। युक्त दुई विज्ञान और वाणिज्य परीक्षा फल मे 31 सुधा प्रकाशित हो स्थिर हो। कला और धंदामूलक परीक्षार रिजल्ट जून प्रथम सप्ताह सुधा प्रकाश करने को लक्ष्य रखाई। प्रवृत्ति खबर नवम श्रेणी बीजगणित बही मलाटे सांघातिक त्रुटि गाणितिक सूत्र में भूल को नहीं छात्र छात्री मध्य द्वंद संशोधन पर उठला दाबी। नवम श्रेणी गणित बही मलाटे त्रुटि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा छपा जाइथवा नवम श्रेणी गणित बही रे त्रुटि देखा को मिलिछे। बीजगणित बही रो कवर पृष्ठ रे मुद्रण जनित त्रुटि देखा को मिलिछे। कवर पृष्ठ रे थिबा त्रुटि नै द्वंद्वरे पड़िछन्ती छात्र छात्री। बही मलाट रे थिबा भूल को मध्य गणित शिक्षक माने मुद्रण जनित त्रुटि थिबा कहिछन्ती। अनेपटे हाईस्कूल रो आउ केतोटी पाठ्यपुस्तक रे मध्य मुद्रण जनित त्रुटि रहिथवा शिक्षक माने जणाइछन्ती। सेपटे एही बही मलाट रे थिबा त्रुटि गुडी को प्रति दृष्टि दिया जाई तुरंत संशोधन करबा को अभिभावक माने दाबी करिछन्ती। देखा प्रवृत्ति खबर सारा ओडिसा रे डढ खरा दिन 11:30 सुधा 5 सहर तापमात्रा 36 डिग्री ऊपर। राज्य में शुष्क उष्म वायु प्रभाव बढ़िया जो तापमात्रा वृद्धि पाचे। उपकूल ओडिशा समेत उत्तर और दक्षिण ओडिशा तापमात्रा बढ़िवार लगी सकाळु प्रबल ताती अनुभूत होउछे। कालिठु तापमात्रा वृद्धि पाइबा सह एभली पाग जारी होबे बोली पाणिपाग विभाग पक्षर जणाई दे जाइछे। सेहिभली राजधानी में सकाळु आसकाळुआ असह्य ताती अनुभूत होइथिला। ताती बढ़िया सह सका 8:30 31 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड हो दिन बढ़िया सहित ताती बढ़िवार लगी। से भाई तीन दिन है असह्य गरम और गुड़गुड़ जो आउट पाउट हो गले राजधानीवासी। तेज आज दिन 11:30 सुधा भुवनेश्वर 37.2 डिग्री, झारसुगुड़े 37.2 डिग्री, चांदवाली 37 डिग्री, बालेश्वर 36 डिग्री थी बेले संबलपुर 36 डिग्री रही है। ता सहित गोपालपुर 35 डिग्री, पुरी में तापमात्रा 34 डिग्री रही है। देखा प्रवृत्ति खबर स्कूल छात्री को दिजिव मागणा सानिटेरी पैड 4 सप्ताह मध्य यूनिफर्म पॉलिसी रे सामिल करने को सुप्रीमकोर्ट निर्देश। तेज एणिकी स्कूल में मिल सानिटेरी पैड देशर समस्त स्कूल में 6 द्वादश श्रेणी में पढ़ुवा समस्त छात्री को मागणे सानिटेरी पैड मिल। सोमवार सुप्रीमकोर्ट यह निर्देश देते 4 सप्ताह मध्य स्कूल यूनिफर्म पॉलिसी रे यहाँ सामिल करने को सुप्रीमकोर्ट निर्देश देते। तेज सुप्रीमकोर्ट कहते हैं एक गुरुत्वपूर्ण मामला समस्त राज्य और केन्द्र शासित अंचल समस्त स्कूल और कलेज कर्तृपक्ष यूनिफर्म पॉलिसी अंतर्भुक्त करेंगे। तीन मास मध्य केन्द्र सरकार को एने रिपोर्ट दाखल कर तेरे सुप्रीमकोर्ट को कहते युवक एवं किशोर बालिका मान मासिक ऋतुस्रवर स्वच्छता उत्सर्गीकृत किंतु स्वास्थ्य सेवा जगैदेबा हेउछे राज्य सरकार दायित्व कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सरकार विषय तेणु यह परिप्रेक्षी समस्त राज्य सरकार दायित्व अन्यस्त करागला सुप्रीमकोर्ट कहते CGI चरण चंद्रचूड़ जस्टिस PS नरसिंह एवं JP पारदीवाला तीन जनिया खंडपीठ में यह निर्देश दिया जाए। देखा प्रवृत्ति खबर ओडिशा को मारी आसूची घड़घड़ी वर्षा 17 जिला को सतर्क सूचना 40-50 किलोमीटर बेगर बहब पवन एने येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग।
ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 17 ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରବିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ରବିବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକାଂଶରେ ଆଜି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦେଖିବାର ଋତୁ ଖବର ମାଡ଼ିଆ ସୂଚୀ ଭାଇରସ୍ ଜମ ସାବଧାନ କରୋନା ବଢ଼ୁଛି। କୋଭିଡ଼ରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ସଂକ୍ରମଣ। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଲର୍ଟ ମୋଡ଼କୁ ଆସିବା ସହ ସାବଧାନ ରହିବା ନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 4 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 67 ନୂଆ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମୋଟ 3,305 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 699 ଜଣ ରୋଗୀ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସଂକ୍ରମଣ ହାର 21.15% ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 788 କୋଭିଡ୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର 1.82% ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 98.12% ରହିଛି। ତେବେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କରୋନାର 137 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସହ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 1,764 ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସମସ୍ତ ମୃତକ 50-81 ଆୟୁ ବର୍ଗର ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍-19 165 ନୂଆ ମାମଲା ଆସିବା ସହ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦେଖିବାର ଋତୁ ଖବର ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ସହିତ UPIକୁ ଜଣାଯିବ। UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଅର୍ଥ ଆସିବ। RBIର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ UPIକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଖୁଚୁରା ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟର 75% UPI ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର UPI ଓ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପେ ପାଓ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। UPIର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣକୁ UPI ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଦେଶରେ UPI ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ମଜବୁତ ପେମେଣ୍ଟ ଭରଣା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଓ ସୁବିଧାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ UPI ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଋଣର ଅର୍ଥ ଭରଣା UPI ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବ, ଫଳରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଓ ଘରୋଇ ବଜାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା କରଜ ସୁବିଧା ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନେ UPI ଜରିଆରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖିବାର ଉତ୍ତି ଖବର ବିଓରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ବିଓରେ ମିଳିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କେମିକାଲ, ସେହିପରି ମାଂସ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ମାଂସରେ କ୍ୟାନ୍ସରକାରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଥାଏ ଯାହାକି ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଓର ଏବଂ ଟ୍ରିଟେଟ୍ ମାଂସରେ କେମିକାଲ ରହିଛି, ତେବେ ଯାହାକି କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଫଳରେ ବିଓର ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ମାଂସକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ମାଂସ ଏବଂ ବିଓରରେ ନାଇଟ୍ରୋ ସାମାଇନ୍ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱର ବିପଦ ଆଣିପାରେ। ନାଇଟ୍ରୋ ସାମାଇନ୍ ଏବେ ଏତେ ବିପଦଜନକ କେମିକାଲ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ବ୍ରେନ୍, ଲିଭର, କିଡ଼ନୀ, ଗଳା ଓ ପେଟ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ନାଇଟ୍ରୋ ସାମାଇନ୍ ବିଓର କିମ୍ବା ମାଂସରେ ମିଶାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆମିନର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ୟୁରୋପରେ ସହଜରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟରେ 10 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାଇଟ୍ରୋ ସାମାଇନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ୍ ଏକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର
प्रभावको ह्रास करिवार पदक्षेप नियाजैछे। तबे केउठारे नाइट्रोसामाइन मिलिथाय जो मासुको अधिक दिन पर्यंत रक्षा पई सेथरे किछि मिसा जाय बा कोड मीट प्रक्रियाकृत माछ कोक्को बियर क्षीर शस्य एवं किसी पनीपरिया वैज्ञानिक मैंने नाइट्रोसामाइन पाई तबे प्रक्रियाकृत मांस में नाइट्राइड जोग कर जाए जहाद्वारा यह अधिक समय रही पड़े मांस को अधिक ताजा देखा और पिंक रंग देवाई से नाइट्राइड मिसा जाए। देखा प्रवृत्ति खबर एथर हाइब्रिड सूर्यपराग 100 वर्ष पर अद्भुत संयोग गोटे दिन में देखिए 3 सूर्यपराग जानतु किपरि रहा प्रभाव। तेज सूर्यपराग और चंद्रग्रहण एक गुरुत्वपूर्ण ज्योतिर्विज्ञान घटना या सहित धर्म और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण अत्यंत स्वतंत्र बोली विवेचना करी जाइथाय। तबे 2023 वर्षर प्रथम सूर्यपराग 20 एप्रिल लागबे को जाउछे। एही दिन रे पड़ुछि बैशाख अमावस्या। ज्योतिष शास्त्र अनुजाई एही सूर्यपराग एक हाइब्रिड सूर्यपराग हेबो अर्थात गोटे सूर्यपराग हेतु किंतु गोटे दिन रे तीनोटी सूर्यपराग देखा जिबो। सेथिमें वैज्ञानिक माने एही सूर्यपराग को हाइब्रिड सूर्यपराग कहिछन्ती। वर्षर प्रथम सूर्यपराग 20 एप्रिल 2023 गुरुवार दिन लगे जाऊँगी। एही ग्रहण भारतीय समय अनुजाई सका 7:04 आरंभ हो जहाँकि द्वितीय पहर 12:29 शेष होपर। सूर्यपरागर अवधि 5 घंटा 24 मिनिट रही। सूर्यपराग भारत में दृश्यमान होना कारण सूर्यपराग सूतक काल एठे वैध होना। तबे 2023 वर्षर प्रथम सूर्यपराग अत्यंत स्वतंत्र होगा जाऊँगी कारण यह तीनोटी रूप से देखा जो थे आंशिक पूर्ण और कुंडलाकार सूर्यपराग रही। जितेबाला चंद्र सूर्यर एक छोट अंशर सामना को आसे और यार आलोक को प्रभावित करे यहाँ आंशिक सूर्यपराग कहुए। अनेपटे जितेबाला चंद्र सूर्य मध्यम को आसे और यार आलोक को अवरोध करे जो कारण मझे अंधकार एवं बाह्य वृत्त केवल आलोकर एक रिंग देखा जाए से एक बलयाकार सूर्यपराग कहुए। यह रिंग अफ फायर कहुए। अनेपटे जितेबाला पृथ्वी सूर्य एवं चंद्र सामान धाड़ी था पृथ्वीर एक अंश संपूर्ण अंधकार बुड़ जाए। यह परिस्थित को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहुए। देखा प्रवृत्ति खबर पीएम किसान बड़ अपडेट यही मसर आसपे 14वां किस्ती पाखे रखी था डॉक्यूमेंट। तबे पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 14वां किस्तीर तारीख शीघ्र पाईपरती केन्द्र सरकार। यह किस्ती एप्रिल और जुलाई 2023 मध्य मिलबार आशंका रही है। तबे यार 13वां किस्ती 26 फरवरी 2023 जारी करपरी परिस्थिति में यह योजन सामिल होता नुआ चाषी को परवर्ती किस्तीर लाभ पठाइबा शीघ्र आवेदन करने को पड़ो। यह पूर्व जो चाषी मैंने आवेदन कर सारी से निजर स्थितर जांच करें। बर्तमान कृषक मैंने 14वां किस्ती अपेक्षा कर सरकार उच्चाभिलाषी योजना सहित प्राय 9 कोटी कृषक जड़ित रही। योजना अधीन कृषक मैंने प्रतिवर्ष 2x2000 टंका पाती। तबे सरकार यह योजन हिताधिकारी मानक वार्षिक 6000 टंका दिखती। यह व्यतीत यह योजन पंजीकृत कृषक मान सरकार किसान क्रेडिट कार्ड आवश्यक करते यार उद्देश्य हूँ कृषक मानक आर्थिक सशक्तिकरण करवा। एपरी करूँ आवेदन पीएम किसान सम्मान निधि योजन रजिस्टर करने प्रथम योजनार ऑफिशियल वेबसाइट www.pmkisan.gov.in को जातु। यार होम पेज फार्मर कर्नर को जाई न्यू फार्मर रजिस्टर उपर क्लिक करूँ। यापर निजर आधार नंबर दिंतु और कैप्चा कोड एंटर करूँ। पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू ऑप्शन उपर क्लिक करूँ। यापर येस उपर क्लिक कर पीएम किसान पंजीकरण फर्म 2023 पूरण करूँ। फर्म पूरण करने सबमिट कर यार एक प्रिंट आउट बाहर करूँ। तेज आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन जाणी रखु यही पीएम किसान योजन रजिस्ट्रेशन करने आपन को आधार कार्ड जमीर कागजपत्र नागरिकता प्रमाणपत्र आय प्रमाणपत्र पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि डॉक्यूमेंट आवश्यक। यह व्यतीत आपन को यही बैंक आकाउंटर डिटेल्स देवाक पड़ो जो थे आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना अधीन मिलुवा टंका ने चाहते। या सहित आपन को एक मोबाइल नंबर देवाक पड़ो जहाँफल आपन को एड़ित अपडेट मेसेज मध्यम जन दी।